ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। सुबह उठ करके हाथ मुंह धोए बिना मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। सच बात यह है कि राहुल जी को भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराएं, उनका बोध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचो, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, अंबानी जी की मदद करने के लिए भेजा है, मगर परमात्मा ने उन्हें किसान को मदद करने के लिए नहीं भेजा, मजदूर को मदद करने के लिए नहीं भेजा, जाति जनगणना करवाने के लिए नहीं भेजा। अजीब सी बात है भाइयों और बहनों, अगर सचमुच में परमात्मा ने भेजा होता तो परमात्मा कहते कि हिंदुस्तान के सबसे कमजोर लोगों की मदद करो, किसानों की मदद करो, मजदूरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नरेंद्र मोदी जी के परमात्मा ने उन्हें कहा, नरेंद्र मोदी जी अदानी की मदद करो, हिंदुस्तान के सारे के सारे एयरपोर्ट अदानी को दे दो, हिंदुस्तान के पावर प्लांट्स को अदानी को दे दो, रेलवे अदानी को दे दो। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करो अदानी अंबानी का। ये कैसे परमात्मा है? ये नरेंद्र मोदी जी वाले परमात्मा है। राहुल गांधी जी का वन पॉइंट एजेंडा है कि बिना मुंह धोए मोदी जी को कोसना। सुबह उठ करके हाथ मुंह धोए बिना मोदी जी को गाली देना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि अपना झूठा पानी अपने सर पे नहीं डाला जाता, वो आदमी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। सच बात यह है कि राहुल जी को भारत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपराएं, उनका बोध नहीं है। विदेशी परिवेश में पले बढ़े राहुल गांधी जी को पहले भारत को जानना होगा, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री पर बोलने का प्रयास करें।